हमारा चैनल। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि दिवाली अब काफी ज्यादा नजदीक आ रही है, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना दिवाली के रिलेटेड कुछ किया जाए। और दिवाली के रिलेटेड सबसे ज्यादा मेन चीज क्या होती है? स्वीट्स ऑब्वियसली। तो हमने सोचा कि क्यों ना स्वीट्स चैलेंज किया जाए। तो चैलेंज का नेम क्या है? गेसिंग द स्वीट्स चैलेंज। ओके गाइस, सो चैलेंज का नेम है गेसिंग द स्वीट्स चैलेंज। मैं करूं एक्सप्लेन? ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा गला खराब है और मेरा नाक भी खराब है, तो आज हनीषा बोलेगी। ओके गाइस, तो इस चैलेंज में बेसिकली होगा कि कुछ मिठाइयाँ होगी और हमें नहीं पता कि वो मिठाइयाँ क्या हैं, क्योंकि वो डब्बा जो है वो मम्मी ने रेडी करवाया था और उसमें काफी सारी मिक्स मिठाइयाँ हैं। तो हमें एक एक करके मम्मी वो देंगे और हमें ब्लाइंड फोल्ड होकर उन्हें गेस करना है कि वो क्या स्वीट है। और ऑब्वियसली जिसने सही गेस कर लिया उसको पॉइंट मिल जाएगा और जिसने नहीं किया वो हार जाएगा। वैसे मेरे लिए नेम गेस करना है, लेकिन कईयों के नाम हमें खुद नहीं पता, तो जिसका नाम हम दोनों को नहीं पता उसका मेन फ्लेवर या मेन इंग्रेडिएंट गेस करना है, जो उसमें मेन चीज आ रही होती है ना वो आए। तो करें शुरू फिर आज का चैलेंज, करते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ बैठे हमारी मम्मा, तो मम्मा हमें देंगे मिठाई। चलो रखो मम्मा। आई एम ऑलरेडी। फर्स्ट मिठाई पेश की जाए। रख दी? यस। ओके, 3-2-1 के काउंट पे हमने खा लिया, उसके बाद जिसने पहले नाम बोल लिया वो जीत। ठीक है, चल 1-2-3। चॉकलेट वाली बर्फी है, उसने ऊपर चॉकलेट है नीचे प्लेन वाली बर्फी है। नहीं, क्या है ये? आई गेस खोए वाली बर्फी है। हाँ। नहीं, खोए का टेस्ट ऐसे का नहीं होता। खोए वाली बर्फी है। चल फाइनल हो बेटा, रिमूव कर। कौन सा है? मावा बर्फी? खोए वाली बर्फी ना? खोए वाली बर्फी है। कड़े हुए मावे की बर्फी। मुझे पहले ये बता, एक सिंपल सी बर्फी दी है, पहली मिठाई है, तो इतना दिमाग ऊपर से चॉकलेट नीचे से वो है प्लेट। मतलब मैं सोचा अपना कुछ तो उठपटांग सा हो गई ना। चल फिर सब लग दी। यस। तो 3-2-1। क्या है? जो भी है पर टेस्ट इतना खास नहीं है कुछ। अरे वो है ये कोकोनट की बर्फी। चले टेस्ट खराब हो गए थोड़ा सा, इसमें कोकोनट का टेस्ट है पर इतनी खास नहीं है जो भी है। हाँ मुझे भी आ रही कोकोनट की। मामा ना पता नहीं क्या है। अच्छा ये वो स्पेशल वाली जो बर्फी होती है, ये मूंग दाल की बर्फी है ना। तो मूंग दाल नहीं पसंद तो। चल ये थी मूंग दाल की बर्फी। चलो दो बन दिया। यस यस। चल अच्छा ये मुझे पता है क्या है, इसमें टच करने से पता लग रहा है, तो मुझे नाम नहीं पता। 3-2-1। ये ना वो है अंदर इसके पान की फिलिंग है। टेस्ट देख है। नहीं हाँ ये वो नहीं है ना, ये वो है जिसके ऊपर सेसमे सीड्स की कोटिंग हुई हुई है। बस इतने पता, थोड़ा सा रख लो देखने के लिए। आई गेस ये वो है। क्या है? बर्फी है yeah. भाई तो कह रही गांव वाली बर्फी है, उसके ऊपर कलरिंग की हुई है, उसके ऊपर तिल की कोटिंग है। चल चॉकलेट है। अबे ये कौन से एंगल से चॉकलेट बर्फी है? ये तिल नहीं है, खसखस है। अच्छा चलो रख दिया। रख दिया। एड्डी बड्डी। 3-2। अरे रुक मुझे तोड़ने तो दे। 3-2-1। तो बर्फी। हाँ पहले मैंने बोला, मैंने भी तो साथ में हाँ बोल दी।
इट्स मिल्क केक इतने पड़े हसी जो भी अपने इतना खास नहीं कुछ डालो तो पता नाम सुनने के बाद टेस्ट भी चेंज हो जाता है मेरी काजू कतली है इसमें वो तो मैंने जानबूझ के नहीं रखी वो तो कैसे रखी ये तो बात हुई कर दिया नहीं मेरी कैस रख दिया अबे ये क्या है अब थ्री टू वन हाय हाय पेठा है ये पान पान वाली बर्फी है पान वाला वो है नहीं ऊपर जली है पान वाला वो है आम पापड़ जैसा टेक्सचर होता है इसका मैंने अंदर से तो खाया ही नहीं मैं तो जली वाली पार्ट खाई है अभी बादाम भी है मम्मा मैंने अंदर से नहीं खाई इसको आप करके दो मुझे इसका नाम है क्रंची हलवा अच्छा ये छी मुझे ऐसे की टेक्सचर वाली चीजें बहुत कम लगती है आम पापड़ वाले ये वैसे आम पापड़ है ना नहीं इतनी मिठाइयां झूठी करी जा रहे हो तो मुझे पॉइंट मिलना चाहिए चुप रहे इंग्रेडिएंट तो मैंने बताया क्या था इंग्रेडिएंट बताओ हाँ चलो रख दिया चल थ्री यार पर फिर गलत लेके आया चलो थ्री टू वन मैं लिंक खा के चल कभी नहीं मैंने बोला रीशा खाने में लगी पहले मैंने बोला वो बॉर्निटा वाली बर्फी है फिर तो दोनों ही गलत है चॉकलेट है ना चॉकलेट पर फिर नहीं पहले मैंने बोला मुझे बहुत मिले मस्त ट्राई बहुत यम यम नहीं ठीक है चुप रह मेरी काजू कतली नहीं लेके आई मम्मा आप आई एम वेरी मच डिसहार्टेंड आज कुछ अच्छा रखती नहीं चलो यार इतना ही थी बहुत लेट करवा रहे लो चलो रख दी मैंने पहले ना पहले ही नीचे मुझ पा रही है चलो करो वन गैस तब भी नहीं करो थ्री टू वन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद अच्छी तो होती है रख दिया मम्मा ये क्या उठपटांग सी शेप पे है थ्री टू वन ये ऊपर दूध का दूध को गाड़ के बनाई हुई है मुझे नहीं पता है ना मैं ऐसे ही हूँ मेरे ज्यादा पॉइंट लगे एक भी बार मेरा अभी तक दो हो गए अच्छा ये बंधन वाले के इतने से डिलीट करती हो थैंक यू दस्तन ने मैं तो पता ही नहीं सीखा वेलकम चलो चलो रख दिया और ये क्या है तो बाहर नहीं रही एक मिनट ऐसी बाइट कर लेना तो तोड़ने के लिए क्या मुझे नहीं समझ आ रहा दैट्स कॉल्ड मैनर्स वन टू एंड थ्री तो डबल थ्री ऐसे क्यों होती है मैंने कभी खाई ही नहीं पता है पक्का नहीं पता मुझे लग रही है बीच में तो चावल डाले हुए हैं वही है कौन दही है अच्छा चलो लग रही यस वन पहले देखी प्लेट में रख रहे हो थ्री टू वन गो मम्मा बर्फियां का तो लेके आई हूँ यार सिंपल बर्फियां सिंपल नहीं इसमें टेस्ट है पर मुझे पता नहीं कौन सा
ये ना हुआ ऊपर चॉकलेट और नीचे वो सिंपल। हनीशा ने चीटिंग की है। आपको वीडियो के बाद में पता चल जाएगा क्या देखा है ऑब्वियसली। चलो आप रखो जल्दी। आई एम वेटिंग। रख दी रख दी। अरे चिपू चिपा सा है। सॉरी वन टू थ्री। चॉकलेट वाला चॉकलेट वाला तो नहीं है, क्रीम वाला है। चॉकलेट वाला क्या? इट्स कॉल्ड ड्राई फ्रूट लड्डू। हाय हाय चलो ये पकड़ा हुआ है। चलो लास्ट है वैसे भी। रख दी। अच्छा किन्हीं ने इस मुझ पहले ही पान लग गई है। किसने हो गई क्या बुद्धि रह जाती है प्लेट के। थ्री टू वन गो। काजू कतली है। काजू कतली है। हाँ इतनी पतली हुई होती है काजू कतली और हनीशा ना पहचाने हो ही नहीं सकता। So guys, ये थे हमारी आज की वीडियो। हमें बहुत सारी मिठाइयाँ खाने को मिली, आपको बहुत सारी मिठाइयाँ देखने को मिली और मुझे लगता है कि देख के आपका भी मन कर गया होगा खाने का। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को थम्स अप दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइट अप अ स्माइल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम हैंडल and dear my pet line don't forget to like share comment and subscribe to our channel below bye।